अस्सलाम वालेकुम। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन हैं। हमारे साथ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डीन मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि एनटीयू में एडमिशन लेने का स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जॉब मार्केट की क्या सूरत हाल है और एनटीयू एज अ यूनिवर्सिटी कैसे परफॉर्म कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा तारुफ करवा दें। जनाब, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की बुनियाद है वो 1959 में बनी है। टेक्सटाइल इसके अंदर बेसिक एजुकेशन थी और वो जो एजुकेशन टेक्सटाइल की थी आजकल वो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हो रही है। इसमें हम टेक्सटाइल के साथ मटेरियल्स, पॉलीमर्स, उसकी एजुकेशन जो है वो भी देते हैं। तो टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हम 4 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, गारमेंट्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, पॉलीमर इंजीनियरिंग और मटेरियल्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो सर, ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? डॉक्टर साहब, मेनली 2 डिफरेंस हैं। एक इंडस्ट्री के और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि बच्चे जब बाहर निकलते हैं 4 साल करने के बाद तो उनको इंडस्ट्री का इतना आइडिया नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स जो हैं वो उसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि 3 साल बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 1 साल जो है वो इंडस्ट्री के अंदर स्पेंड करते हैं एज एन एम्प्लॉय और उसके बाद उनको डिग्री मिलती है। इंजीनियरिंग जो है वो उसमें ज़्यादा जो पोर्शन है वो यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे स्पेंड करते हैं। 2 इंटर्नशिप्स होती हैं, 1 इंटर्नशिप जो है वो उसमें मैंडेटरी है और इसमें जो लर्निंग का हायर लेवल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो सर, ये चूँकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ओपन है, तो स्टूडेंट्स को नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को क्यों फोकस करना चाहिए? देखें, जो हम डिग्री करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव, एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डिग्री करने के बाद वी शुड बी डूइंग समथिंग उसके अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, या हमें जॉब मिल जाए या हम एक अच्छा बिजनेस शुरू कर लें और या हम अगर हायर एजुकेशन के लिए अदरवाइज पाकिस्तान से बाहर जाना चाहें तो हम वहाँ पे चले जाएं। तो एनटीयू जो है वो इट्स द ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान और हमारा जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है इसके प्रोग्राम जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो 100% है, 100% विद इन 2 मंथ्स ऑफ द ग्रेजुएशन। तो एम्प्लॉयमेंट के बाद जो करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी टेक्सटाइल सेक्टर में मौजूद हैं? जी, टेक्सटाइल जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो इसकी उसके अंदर परसेंटेज है एक्सपोर्ट्स के अंदर इट्स अबाउट 58%। जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है और इसमें जो ग्रोथ के चांसेस हैं पाकिस्तान के अंदर भी बहुत हैं। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना हो तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपना बिजनेस जो है वो करने की अपॉर्चुनिटीज़ तो टेक्सटाइल के अंदर हैं ही। तो सर, आखिरी मैसेज जो आप एडमिशन सीकिंग स्टूडेंट्स को देना चाहें? देखिए, मैं जो बच्चों को कहूँगा कि अगर आपकी लर्निंग जो है वो अच्छी है तो आप दुनिया के अंदर कामयाब हैं और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जिसको हम डिग्री कहते हैं जिसमें आपकी लर्निंग नहीं है तो वो आपका सोसाइटी के लिए या आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। सो व्हाट वी आर डूइंग एट नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, नॉलेज सिखाने की कोशिश करते हैं, स्किल्स सिखाने की कोशिश करते हैं और एटीट्यूड जो है वो उसके ऊपर उसमें वर्क करते हैं। दैट्स वाई हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इंडस्ट्री के अंदर लोकली, इंटरनेशनली दे हैव ग्रोन अप टू लाइक वेरी गुड जो करियर लेवल। बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही एडमिशन सीकिंग स्टूडेंट्स को अगर कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेंटर या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कंसल्ट कर सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।